मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितने बड़े बड़े दावे करती है, हकीकत एकदम उससे उलट है। सागर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो सिस्टम पर सवालिया निशान लगाती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आप तो बेहद संवेदनशील हैं, आपको भी ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि किसी शव को बोरे में भरकर ऑटो में ले जाना पड़े, या फिर आपकी माँ जैसी वृद्धा को इलाज के लिए एम्बुलेंस भी नसीब ना हो और उसे ठेले पर अस्पताल पहुंचाना पड़े। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के हाल खराब है। एक तरफ कोरोना का टेंशन है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं जमीन पर दम तोड़ रही हैं। हर तरफ शिकायतों का अंबार है, इलाज और दवा के लिए लोग परेशान हैं। ताजा मामला सागर का है। इस ऑटो को गौर से देख लीजिए, ऑटो रिक्शा में रखे बोरे को और भी ध्यान से देख लीजिए, और इस बोरे में पता है आपको क्या है? इसमें एक शव है। सागर में मालगाड़ी से हादसे में एक वृद्ध की मौत हो जाती है। इसकी इतला स्वास्थ्य विभाग को दी जाती है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, लेकिन जवाबदार कोरोना का हवाला देकर मदद से इनकार कर देते हैं। एक शव को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन संवेदनहीन नजर आता है। थकार के पुलिस कुछ लोगों की मदद से शव को बोरी में भरती है और बोरी में भरे शव को सवारी ऑटो से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यह दृश्य बताता है मध्य प्रदेश में सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये तस्वीर आपके सिस्टम की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। शिवराज जी, ये दूसरी तस्वीर आपको हिला कर रख देगी। आपके मुताबिक प्रदेश की जो जनता है वो आपकी भगवान है, उस भगवान की दुर्दशा भी आप देख लीजिए। इससे पहले इन बुजुर्ग बीमार महिला सुशीला यादव की बात भी सुन ले। ये सच है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस समय कोरोना संक्रमण से दो दो हाथ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जवाबदार लोग सिस्टम को सुधारना ही नहीं चाहते। कोरोना की आड़ लेकर आम आदमी को भाग्य भरोसे छोड़ रहे हैं। इस बुजुर्ग महिला को भी शिवराज जी आपके राज में अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, मजबूरन हाथ ठेला पर रखकर वृद्धा मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ा। सवाल यही है कि जब कोरोना को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर दुरुस्त है तो फिर इनको एम्बुलेंस उपलब्ध क्यों नहीं हुई? स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त है ये आप इन दृश्यों को देखकर समझ सकते हैं। शिवराज जी, जहां चप्पे चप्पे पर सरकारी अफसरों की गाड़ियां दौड़ रही हैं, पुलिस मौजूद है, और जिस चौराहे पर पूरे टाइम जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात हैं, वहां पर भी किसी ने इस वृद्धा को हाथ ठेले से उठाकर अपनी गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई। इस मामले में आपके सिस्टम का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मैंने भी अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। मैं जानकारी एकत्र कर रहा हूँ कि वो कहाँ के थे, क्योंकि अखबार में भी नाम और उनका कहाँ जा रहे हैं, ये अस्पताल जा रहे हैं तो किस अस्पताल में जा रहे हैं, सूचना पूर्व से नहीं अभी मिली है। लेकिन ये बात सही है कि जिस इलाके से वो निकल रहे थे वहाँ पर जो भी ड्यूटी पर तैनात थे, चाहे पुलिसकर्मी हो या अन्य अधिकारी हो, उनको इस बात को जानकारी एकत्र करना थी और उनको उचित स्थान पर भिजवाना था। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर ये जहाँ भी चूक हुई है और वो अभी कहाँ है, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो हम सब लोगों से सहयोग चाहते हैं तो हमसे बात करें, हम कोशिश करेंगे उनका उचित स्थान पर इलाज हो जाए। विधायक प्रदीप लारिया ने इस घटना को प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही बताया।
शिवराज जी, देख लीजिए आपके राज में चल क्या रहा है। आपके अधिकारी आपकी सरकार की किरकिरी करवाने में कहीं चूक नहीं कर रहे। समय रहते सब कुछ ठीक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी जनता इसी तरह परेशान होती रहे और आप कुछ भी ना कर पाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।